आज छठ व्रत का दूसरा दिन यानी खरना है और आज जो व्रती होती हैं गंगा जल में गंगा में स्नान करती हैं और यहाँ स्नान करने के बाद जो गंगा जल लेकर घर जाएंगे और इसी से जो छठ का प्रसाद तैयार होगा। आज शाम में जब सूर्यास्त के समय में पूजा होगी और उसके बाद जो खीर पूरी बनता है, गुड़ का खीर बनेगा, पूरी बनेगा, रोटी बनेगा, कहीं कहीं पूरी बनती है। और इसके अलावा इसके बाद जो आज प्रसाद ग्रहण करने के बाद कल का पूरा दिन जो है निर्जला होता है, उसके बाद पारण के दिन ये फिर प्रसाद ग्रहण करेंगी और पारण के साथ इनका व्रत संपन्न होगा। लेकिन मान्यता है कि गंगा नदी के किनारे छठ व्रत करने का अपना अलग महत्व है और यही वजह है कि देखिए इसमें तो गंगा किनारे हैं और यहाँ पर किस तरीके से भारी भीड़ होती है, जो व्रती है वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर छठ व्रत का जो प्रसाद तैयार करने के लिए जो गंगा जल है वो लेके यहाँ से जाएंगी और घर में जाकर इसका प्रसाद तैयार करेंगी। काफ़ी इस बार पटना में 100 से ज़्यादा घाट है जहाँ पे इस तरह की तैयारियाँ की गई हैं, जिला प्रशासन के द्वारा काफ़ी तैयारियाँ की गई हैं और इसका नतीजा है कि लोग गंगा किनारे आ रहे हैं और इस बार जल स्तर कम होने के चलते ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बार गंगा तट के किनारे पहुँचे हैं और यहाँ पर व्रत कर रहे हैं। कैमरामैन ऋषिनाथ के साथ अमिताभ आबूझा, पटना न्यूज़ 24।